जिस तरह का व्यवहार पार्टी में सब कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है, हमें नहीं लगता है कि पार्टी सुचारू रूप से चल रही है। महिला को इस तरह से शर्तों से समझौता पर पार्टी में काम करने के लिए कहना, तो ये सब हम लोग से संभव नहीं है, किसी भी महिला से संभव नहीं है। सिर्फ महिलाओं के वोट के लिए महिलाओं पर राजनीति करना और महिलाओं को राजनीति करने देना, दोनों में फर्क होता है। आप सशक्तिकरण सिर्फ उनके लिए योजना लाकर नहीं कर सकते हैं, आप महिलाओं को उनके मान सम्मान और स्वाभिमान तीनों से अगर समझौता करने के लिए कहिएगा तो कोई भी महिला इस तरह से आपके सामने समझौता नहीं करेगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने आए थे, जो इनकी शराबबंदी की मुहिम थी, तो उसमें हम सहयोग करने आए थे, लेकिन लगता है जैसे कि पार्टी अब एक गिरोह के हाथ में चली। शराब माफिया जो हैं वो इनके संरक्षण में रहते हैं, और जो गरीब बेचारे जिनके घर में खाली बोतल भी मिल जाता है वो बेचारे जेल में। जेडीयू की नेता और प्रवक्ता रह चुकी सुहेली मेहता ने इस्तीफा दे दिया है जेडीयू से। हमारे साथ खुद सुहेली मेहता हैं, उनसे जान लेते हैं। मैडम, क्या परिस्थितियां रहीं जो आपने इस्तीफा दे दिया? नहीं, देखिए, पार्टी में तो हम आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने आए थे, जो इनकी शराबबंदी की मुहिम थी, तो उसमें हम सहयोग करने आए थे, लेकिन लगता है जैसे कि पार्टी अब एक गिरोह के हाथ में चली गई है, जिसमें कुछ कुंठित लोग हैं जो कुंठा से ग्रसित हैं, और लोगों को शर्तों से लगातार समझौता कराकर ही वो पार्टी में या तो जगह देना चाहते हैं या पार्टी में चैन से रहने देना चाहते हैं, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कुछ दिनों से। तो इसी चीज़ ये इस तरह के आभास हमको हो रहे हैं लगातार इधर कुछ दिनों से। एक महिला होने के नाते, महिलाओं की पार्टी कही जाने वाली, बार बार महिला सशक्तिकरण के नाम पर चलने वाली पार्टी, और एक महिला को इस तरह से शर्तों से समझौता पर पार्टी में काम करने के लिए कहना, तो ये सब हम लोग से संभव नहीं है, किसी भी महिला से संभव नहीं है। ये अपनी दास्ता कबूल करवाना चाहते हैं महिलाओं से, तो इन सब शर्तों पे हम तो आज इस्तीफा दिए ही हैं। हमें तो लगता है कि आगे कोई भी महिला इस पार्टी में नहीं रहेंगी। सिर्फ महिलाओं के वोट के लिए महिलाओं पर राजनीति करना और महिलाओं को राजनीति करने देना, दोनों में फर्क होता है। आप सशक्तिकरण सिर्फ उनके लिए योजना लाकर नहीं कर सकते हैं, आप महिलाओं को उनके मान सम्मान और स्वाभिमान तीनों से अगर समझौता करने के लिए कहिएगा तो कोई भी महिला इस तरह से आपके सामने समझौता नहीं करेगी। तो कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं पार्टी में, जिसके कारण कि आज हम इस्तीफा दे दिए हैं पार्टी से। और इसके अलावे कई चीज़ें हैं जो USP आदरणीय नीतीश कुमार जी का था, अपराध से समझौता नहीं करना। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि किस तरह से एक अपराधी को जेल से बाहर निकालने के लिए जेल के नियमावली में बदलाव तक इनकी कोशिश से हुई। इसके अलावे शराबबंदी की जो मुहिम है, ये भी जनता के साथ एक धोखा ही है। शराब माफिया जो हैं वो इनके संरक्षण में रहते हैं, और जो गरीब बेचारे जिनके घर में खाली बोतल भी मिल जाता है वो बेचारे जेल में हैं, उनके परिवार का क्या होगा ये भी किसी ने नहीं सोचा। तो इन सब चीज़ों का है। आप शिक्षा का हाल देख ही लीजिए, किस तरह से शिक्षकों की बेइज्जती हो रही है इस पूरे बिहार में, समाज में जो शिक्षकों की स्थिति हो गई है, जिस तरह से शिक्षकों को समाज के नज़रों में इन लोगों ने गिरा दिया है, तरह तरह की परीक्षा लेकर। जब इसी तरह की परीक्षा लेनी थी तो आप शुरू में ही जो बहाली किए उस तरह की परीक्षा लेते, बाद में उन्हें बार बार डिमोरलाइज करना। तो समाज के एक प्रतिष्ठित लोग हैं शिक्षक, उसके लिए सरकार में जो नई नियमावली बनी BPSC की, तो ये BPSC की परीक्षा, कोई भी नियम आज तक जो भी नियमावली लागू होता है तो तत्काल प्रभाव से लागू होता है। जो शिक्षक 15 और 20 साल से शिक्षक के रूप में स्कूलों में काम कर रहे हैं, उन शिक्षकों को अब आप कहिएगा कि आप BPSC से निकालिए, अपने एग्ज़ाम पास कीजिए, उसके बाद ही आपको वेतन मिलेंगे या सरकार वाली फैसिलिटी मिलेगी, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है। आखिर हम राजनीति कर रहे हैं, तो जब अपने ही मान और सम्मान स्वाभिमान को हम नहीं बचा पाएंगे तो हम जनता के मान स्वाभिमान की रक्षा क्या करेंगे? जनता के लिए काम तो अधिकारी लोग करते ही रहते हैं, नेता तो होते हैं जनता के स्वाभिमान और सम्मान को बचाने के लिए। तो इन्हीं सब कारणों से हमें नहीं लगता है
कि इस पार्टी आप देख लीजिएगा कुछ ही दिन में पार्टी कैसे ही रह जाएगी और कहाँ जाएगी, जिस तरह का व्यवहार पार्टी में सब कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है, हमें नहीं लगता है कि पार्टी सुचारू रूप से चलने वाली है। शर्तों की बात कही कि शर्तों के आधार पर किया जा रहा है, ये किस तरह के शर्त होते हैं? बहुत सारे शर्त होते हैं, मैंने तो कहा ना कि तरह तरह के शर्त रखे जाते हैं। अब बहुत चीज़ है कि सार्वजनिक करने वाली नहीं होती है, बहुत इस तरह के लोग हैं कि अब देखिए ये क्या है ना कि लोकतंत्र है, आप राजनीति करते हैं ये एक स्वैच्छिक सेवा है, राजनीति जनता के लिए एक स्वैच्छिक सेवा है, इसमें आप किसी कार्यकर्ता को सैलरी देते नहीं हैं, तो कोई भी कार्यकर्ता इसको स्वैच्छिक रूप से ही करेगा, स्वतंत्र होकर काम करना चाहेगा। लेकिन अगर आप उसमें यही काफ़ी है कि कोई जनता आपके विचारों से आकर्षित होकर आपके साथ काम करना कोई कार्यकर्ता चाहता है, लेकिन आप उनके सामने शर्त रखिएगा तो शर्त कहाँ होती है? जहाँ कोई लोग सर्विस में रहते हैं, सरकारी नौकरी में रहते हैं, या जिनका परिवार चलता है वहाँ से, तो वहाँ पर कुछ इस तरह की अगर वो भी अच्छे शर्त वैसे रखे जाते हैं तो लोग उन शर्तों के साथ सर्विस को ज्वाइन करते हैं, लेकिन राजनीति में ऐसी तो कोई शर्त होनी नहीं चाहिए। मतलब शर्त का खुलासा आप नहीं करेंगे? नहीं, शर्त का खुलासा हम नहीं करेंगे, लेकिन हमें कुछ ठेस पहुंची है कि कुछ शर्तों से समझौता करने को कहा गया, जिसको मैं मानने के लिए नहीं तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपने स्वाभिमान से कभी समझौता न की हूँ, न अभी कर रही हूँ, ना आगे करूँगी। सुहेली मेहता थी और इन्होंने अपनी बात रखी है और इन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन साथ ही साथ कई सवाल भी सुहेली मेहता ने उठाए हैं जिसका जवाब ढूंढना जेडीयू के लिए शायद मुश्किल हो सकती है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़, पटना।